कि हमारा कार्यक्रम भदोही में निर्धारित रहा है। हम यहाँ जो आए थे इस उद्देश्य के, क्योंकि मुझे 150 किलोमीटर रसड़ा से चल के आने से हमको आज 600 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती। हमको भदोही, भदोही से फिर बनारस, बनारस से मालीपुर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से फैजाबाद, फैजाबाद से फिर हमको बलिया आना था। तो उस उद्देश्य से हम दूरी कम करने की नीयत से मैं कल यहाँ सर्किट हाउस आया तो देखा कि सिक्योरिटी बहुत यहाँ लगी थी, तो हमने पूछा कि क्या बात है, तो पता लगा मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। बस इतनी सी बात है, ना हमारी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात है ना कोई बात है। नहीं, देखिए जो आप लोग बता रहे हैं इसमें एक पैसे की भी सच्चाई नहीं है। हमारी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई तो फिर आधे घंटे या 10 मिनट की बात का कहा जाए। अरुण राजभर ने कंफर्म किया कि 25 मिनट मुलाकात हुई है, 25 मिनट रात में मुलाकात हुई। आपकी मुस्कुराहट कुछ कह रही है, चुप का मुलाकात क्या निकला ये तो बता दीजिए, औपचारिक चर्चा थी क्या निकला? हमारी उनकी कोई मुलाकात नहीं ना कोई बात नहीं। आप तो बेटे चाय पर भी आप लोग बैठे थे, ऐसा कुछ आपके बेटे ने पूछना ही नहीं, ऐसा कुछ कहीं ऐसा तो नहीं लखनऊ जाकर सारा कुछ बताएंगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं ना, लखनऊ बताने का संभावनाएं क्या है, संभावनाएं क्या सियासत संभावनाओं? देखिए जो चर्चा है वो शादी का कार्यक्रम था, शादी के कार्यक्रम में जैन जी भी आए, राम गोविंद चौधरी जी भी आए, अंबिका चौधरी जी भी आए, उसी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी आए, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केशव मौर्या जी भी आए, तमाम लोग आए। तो ये तो एक संबंध है अपना, तो संबंध के नाते सभी दलों के लोग आए। अब उसको तील का ताड़ लोग बनावे तो हम क्या करें? संबंध तो आपके पुराने भी रहे हैं, लेकिन अब जो संबंध बन रहे हैं या फिर जो दूरियां घट रही हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए हम कोई भी बात आप लोगों के सामने बोलते हैं ना तो वो सही बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारी कोई मुलाकात नहीं है, ना अभी हमारी किसी बीजेपी के नेता से गठबंधन के संबंध में कोई बात है। आगे संभावनाएं क्या नहीं, हमारी संभावना पहली क्या सभी दरवाजे खुले हैं आपके? हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है, हम आपके चैनल पे बार बार कह रहा हूं कि प्रदेश में अगर देश की सरकार बदलने का सपना लोग लेके सजो रहे हैं तो जो नेतृत्व कर रहा है, चाहे नीतीश जी करें, चाहे अखिलेश जी करें, चाहे कोई कर रहा हो, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश कदम बढ़ रहा है धीरे धीरे, एकजुट हो रहा है, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी को टक्कर दे पाएगा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो? देखिए सही बात तो ये है कि जहां 40 सीट बिहार में थी 39 बीजेपी गठबंधन जीता था, आज वहां की स्थिति बदल गई है। जो 2019 की स्थितियाँ थी, चाहे वो कर्नाटक को देखिए, चाहे राजस्थान देखिए, चाहे महाराष्ट्र देखिए, पूरे देश में नुकसान हो रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी पूरी एड़ी चोटी लगाई है, विपक्ष के लोग भी एड़ी चोटी लगाए हुए हैं कि हम लोग लामबंद होकर के मुकाबला करें। अब ये लामबंद हो जाए तो फिर उसके बाद हमारी तो पहली प्राथमिकता है कि मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी और नीतीश जी एक मंच पे आ जाएं। जिस दिन हमको बता दें कि फला तारीख को इस मंच पे हम लोग आ रहे हैं, आप भी आओ, दो घंटे पहले आपको सूचना दें, हम आ जाएं। अखिलेश जी बहुत लाल हो रहे हैं, आपको बहुत अखिलेश जी बहुत नाराज हैं आपसे? देखिए या तो उनके पिताजी झूठ बोलते थे एक नंबर के, उनके जाने के बाद अगर एक नंबर का झूठा कोई है तो अखिलेश यादव जी। 80 से 80 क्यों इतनी नाराजगी आ गई? क्यों इतनी नाराजगी आने का? नहीं, प्रमाण मैं दे रहा हूँ, नाराजगी की बात आप कर रहे हो भाई, विधानसभा के चुनाव में कहें 400 जीतेंगे, क्या हाल हो गया? 400 जीते, अब कह रहे हैं 80 सीट जीतेंगे, कैसे जीतोगे भाई? अकेले दम है जीतने की? सरकार तो नहीं बना पाए, ये तो बीजेपी कहती है, नहीं आप भी बोल रहे हो। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, समाजवादी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा 80 सीट जीतेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप मुझसे जीतेंगे, आप मायावती के पास वोट है उसके यहाँ नहीं जाओगे, ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है नहीं जाओगे, आप चंद्रशेखर के पास वोट है, जयंत के पास वोट है, आप सबको साथ लेके नहीं चलोगे? अखिलेश बुलाएंगे तो आप जाएंगे दोबारा? कौन डांड मेड़ का झगड़ा का हमारे उनका विचारों का झगड़ा है। जयंत चौधरी भी आए थे कुछ? बिल्कुल आए थे, कोई पॉलिटिकल कोई बात नहीं, शादी के मौके पर पॉलिटिकल बात
बीजेपी से हो रही है? किसी से नहीं हो रही है, आपसे हो रही है। क्या सहमति नहीं बन पाई? किसलिए छुपा रहे हैं? छुपा क्यों रहे हैं? जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं वहीं आते हैं या जहां संयोग है या प्रयोग है? नहीं, हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, इस संसद हाउस में क्यों इस्तीफा देखिए, साल भर बाद आप आए हैं, एक बार घटना नहीं है। ये घटना हमको अंदाजे 6 साल में 5वीं घटना है। नहीं देखिए, पहले सर्किट न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं, रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी स्थिति हुई विधानसभा है। संयोग है या प्रयोग है? नहीं, है या हम तो लखनऊ रहते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री रहते हैं। नहीं, इस संसद हाउस में क्यों इस्तीफा देखिए, साल भर बाद आप आए हैं, एक बार घटना नहीं है। ये घटना हमको अंदाजे 6 साल में 5वीं घटना है। नहीं देखिए, पहले सर्किट न आने का कारण जानिए, वो आपका अपना तर्क है, हमारा अपना तर्क है। देखिए, जब से सड़कें ठीक ठाक हो गई हैं, बनारस से 1.5 घंटे में हम रसड़ा चले जाते हैं, रसड़ा हमारी हेड ऑफिस है, तो हम रसड़ा रहते हैं, तो वहाँ जो अपनी स्थिति हुई विधानसभा है, वहाँ के लोग आसानी से 5-10 किलोमीटर चल के आ जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। जहूराबाद के लोग यहाँ तो नहीं आ सकते, इस नाते हम वहाँ ज़्यादा समझ रहे हैं। सड़कें भी ठीक हो गई हैं, हमारी नज़दीकी तो आप लोगों से ज़्यादा है। नहीं, सड़कें ठीक हो गई हैं, दूरियाँ कम होती जा रही है और ऐसा नहीं है। देखिए, अब जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने से, जो लखनऊ हम लोग 7-8 घंटा सफ़र करते थे, अब हम लोग 4 घंटे में लखनऊ पहुंच जाते हैं। तो अब सुबह नहाते हैं, चाय पीते हैं रसड़ा, अब भोजन करते हैं लखनऊ। तो चाय पे ही चर्चा हुई थी क्या अखिलेश जी? तो चाय पे ही चर्चा हुई थी, ऐसा कुछ नहीं। आपने समय मांगा था? आपने नहीं भाई, क्यों समय मांगेंगे किस बात? आप कहते हैं कि माफिया आपके दोस्त है, बृजेश सिंह आपके घर दिखे थे, क्या ये समझ जाना चाहिए कि माफिया सच में आपके दोस्त? अकलमंदी इशारा काफी थी जो मैं आप लोगों से कहता था, वो देखा ना। अपने क्षेत्र के विकास के लिए सीएम से कुछ बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं, हम पक्का में अपने क्षेत्र के विकास। धन्यवाद। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।